मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आँख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। वैसे अगर कागज पे तोता मैना ही बनाना था तो फिर पढ़ाई पे खर्च क्यों करवाया? क्या बकवास कर रही है? विनय मेरा भाई है और हमारे पैसे पर उसका पूरा हक है। कहीं भी जाए लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। नहीं भैया, ये यही रहेगी हमारे साथ। ये बच्ची, ये इसे यहाँ क्यों ले आई? देखिए बाबूजी, अपनी बिटिया की कारस्तानी मरे हुए भिखारन की तरह से बच्ची उठा के लाई है। उधर गाँव में हंगामा मचा हुआ है कि कोई जानवर इस लड़की को उठा के ले गया है। बाबूजी, तुलसी को बोलिए कि ये बच्ची इस घर में नहीं रहेगी, ये इसे अभी बाहर निकाले। नहीं बाबूजी, ये हमारी साथी रहेगी, हम इसे अपनी गैंग में रखेंगे, हमारे साथ खेलेगी, बहुत मजा आएगा, इसे रहने दीजिए ना यहाँ। ठीक है शेखर, वो इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन अब सोचो ना, इतनी रात को इसे बाहर कहाँ निकालेंगे? लेकिन बाबूजी, ये क्या बात हुई? ठीक है, कल सुबह इस बच्ची को सहयोग आश्रम में छोड़ाता हूँ, वहाँ ऐसे ही बच्चों की परवरिश होती है। मतलब रात भर ये लड़की यहीं रहेगी? बच्ची है, कहाँ निकालोगे इसे? आज रात को यहीं रहने। हाँ बाबूजी, ये हमारे साथ ही सोएगी यहाँ बिस्तर पे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है करिए, चलिए आप। लाश छूकर आई है आपकी बेटी, नहाएगी नहीं? नहीं, हम नहीं नहाएंगे, बहुत ठंड लगेगी। मारेंगे तुझे। माँ, अगर हम उठेंगे तो ये भी उठ जाएगी ना, सुबह नहा लेंगे ना। देखिए आपका सामान पहुंच जाएगा। वो क्या हुआ कि गाड़ी खाली थी, इस वजह से देरी हो गई है। आप निश्चिंत रहिए, शाम तक आपका सामान पहुंच जाएगा। ठीक है जी। ओ रघुनाथ बाबू। हाँ जी, क्या हुआ? आप ये भी नहीं जानते क्या हुआ? नहीं तो? अरे मास्टर जी, इनको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे आपके घर की बेटी भी ना, कमाल है। मेरी बेटी? अरे हम लोग तुलसी की बात कर रहे थे। अब उसने क्या कर दिया? पता है तुलसी ने क्या किया? हाँ। वो कल भिखारन मरी थी ना? हाँ। उसकी बच्ची को उठाकर अपने घर ले गई खेलने के लिए। लेकिन उसकी बच्ची तो मर गई थी ना? अरे मरी नहीं थी, वो उसके देह से चिपकी हुई थी, तो हमने सोचा कि वो मर गई है। लेकिन पंचायत से जब लोग आए ना उसकी लाश को लेने, तो बच्ची गायब। मतलब तुलसी अपने साथ ले गई? भाई सबने सोचा कोई जानवर उठा के ले गया होगा, लेकिन सुबह पता चला ये तो तुलसी का काम है। राम 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 राम, गाँव में इतनी लड़कियां देखी है लेकिन इस तुलसी के देह से तो एक भी नहीं है। अरे लाश पर से बच्ची को उठा ले जाना, और ये भी पता है नहीं कि लड़की जिंदा है। अरे तुलसी तो बचपन से ही पागल है, लेकिन अब वो बच्ची है कहाँ? अरे वो देखो। चलो, तुम बहुत शैतानी करने लगी हो आज। इसे अभी तक अपने साथ ही रखा हुआ है? अरे इतनी नन्ही सी जान को कहाँ छोड़ते, कहाँ जाती रात को वो? अरे कहीं भी छोड़ाते। लेकिन आप कहाँ लेके जा रहे हो? हम इसे आश्रम लेके जा रहे हैं, इसका नाम बिन्नी है। कौन से आश्रम? अरे सहयोग आश्रम, जहाँ ऐसे बच्चों की देखभाल होती है। हाँ, वहाँ पर अमरूद अनार सेब के पेड़ है, हम लोग खूब खाएंगे और खेलेंगे भी, है ना बिन्नी? जा जा, ले जा इसे, अमरूद भी खाएंगे, थोड़ी देर तक शांति बनी रहेगी गांव में, जा। ये तो कुछ चिढ़ा रही है। चलो बेटा चलो चलो। अरे ये तुलसी भी ना। अरे भैया इस बच्ची को आश्रम छोड़ने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ तुलसी को भी वहीं छोड़ दें। अच्छा जी, प्रणाम। नमस्ते। नाक पे दम करके रखा है इस छोकरी ने। अब अम्मा जी वो हंसने वाला काम तो की है ना? अरे पूरा मोहल्ला हंस के निहाल हो गया है। देखो दी, अब अपनी बेटी को प्यार से नहीं बल्कि फटकार के और जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगा दीजिए। अरे कुछ छोटी मोटी गलती थोड़ी ना किया उसने,
बच्चे चुराने का गलती किया है, बच्चे चुराने का। हाँ, और वो भी लाश पर से। हाँ, अरे जरा हिम्मत तो देखो चोरी की। अरे लाश पर से बच्चा चुरा के भाग गई। जी 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 जी। हम तो कहते हैं ना अम्मा जी, जब पहली बारी घर का सामान चुराए थे ना, तभी टोक देना चाहिए। फिर अनाज चुराई, आम सेब अमरूद, तो मन नहीं बढ़ेगा क्या? अब हम कहाँ बताएं, कितना डांटते हैं उसे मगर वो मानती ही नहीं। अरे हमरा रिश्ता तो ननद भौजाई का, अगर हमारी छोटी बहन होती ना तो ऐसा सबक सिखाए होता कि अब तक सीधी हो गई। उसके बाबूजी कहते हैं कि उसमें अभी बचपना है, इसीलिए वो ऐसी है। हाँ, रहने दीजिए अम्मा जी, बाबूजी खूब मन बढ़ा के रखे हैं। अरे बहुरिया, तुम मन बढ़ने की बात कर रही हो? अरे उसका तो मन इतना बढ़ गया है कि कल नैना के बाबूजी नैना के लिए सेब खरीद के लाए। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि हमरी नैना कलेक्टर की परीक्षा दे रही है। पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती है, इतनी व्यस्त रहती है, उसे न सजने का न सवरने का कुछ का मौका नहीं मिलता। जब देखो पढ़ाई में घुसी रहती है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बात का हुई, नैना के बाबूजी नैना के लिए सेब लेके आए, इतने में तुलसी लुक्का छुपी खेलते हुए घर में घुस गई और देखते ही देखते सबके सामने सेब चुरा के लेके भाग गई। सबके सामने? अरे हाँ बहुरिया, हम लोग देखते रह गए और वो लेके भाग गई। अरे तो रघु देवर जी को टोकना चाहिए था। अरे उनको तो बहुत में गुस्सा आ गया, वो तो मारने के लिए उठ गए, लेकिन हम ही ने रोक दिया। हमने कहा बेचारी को सेब मिलता नहीं होगा ना खाने के लिए, खाने दो। माँ, अरे हमारी कलेक्टर बिटिया आ गई, भूख लगी होगी ना, पढ़ते पढ़ते थक गई है, आ बैठ, चलती हूँ। मालूम तुमको पढ़ाई लिखाई से टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर अभी से ही मेल मुलाकात बंद कर दोगी तो कलेक्टर बनने के बाद तो हमारे लिए समय ही नहीं रहेगा। अरे नहीं भाभी, वो ऐसी बात नहीं है, बस आजकल थोड़ा समय नहीं मिलता। अरे बहुरिया, जब ही कलेक्टर बन जाएगी तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा इसका। अरे नैना बेटी बैठ जा, बहू वो ताजा ताजा गुड़ लाए है ना, वो ले गया, नैना खाएगी। अरे भाभी, आप भी का बतिया रही है? अरे हमरी नैना कोई गुड़ थोड़ी खाने वाली लड़की है, हमरी नैना तो काजू पिस्ता बादाम अखरोट यही सब खाती है बस। हम तो बस यूं ही कह रहे थे। अरे नहीं बड़ी माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। माँ तुम घर चली जाओ, वहाँ कोई नहीं है। अरे बिटिया तुम कहाँ जा रही हो? मैं ब्यूटी पार्लर जा रही थी। अच्छा, कौन से पार्लर जा रही हो? अरे वो बड़े वाले पार्लर। भाभी आप भी चलिए ना साथ में। नहीं रहने दो। क्या भाभी, भैया पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, अब आपका इतना हक तो बनता है ना। ठीक है चलते हैं। मम्मी तुलसी बुआ कहाँ है? हम नहीं जानते, चलो नैना तैयार हो जाते। अरे बोलो ना मम्मी। हम कहे ना हम नहीं जानते, और जाओ हाथ मुंह धोकर के दादी से मांग के खाना खा लो। चलो नैना चलते हैं तैयार हो। चलो दादी, आपको पता है? नहीं बिटवा, हमको नहीं पता। तू खाना तो खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना है। अरे देखा दीदी, तुलसी ने लीची को भी बिगाड़ के रख दिया, सारा दिन खेत खलियान में उसे लेके भागती फिरती रहती है। हम वही सोच रहे हैं, एक नैना बेटी है और एक हमरी बिटिया है, जबकि दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर तो नहीं ना है। आप भी का बतिया रही दीदी, अरे हमरी नैना जैसी लड़की तो पूरे जिला में ढूंढने से नहीं मिलेगी। अरे कहां नैना और कहां तुलसी? नहीं हम तो बस यूं ही। अरे आप भी का बतिया रही, अब नदी और तालाब एक थोड़ी ना हो सकता है, अंतर तो रहेगा ही। माँ देखो ना, पूनम की बहन ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं विनय की शादी के लिए,
देखिए ना अम्मा जी, कितनी सुंदर है ये लड़की और लंबी भी है। और ये दूसरी, ये तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती है, बड़े ऊंचे खानदान की है, विनय बाबू को बहुत खुश रखेगी। और इसका एक भाई तो पुलिस में भी है। हाँ। क्या हुआ माँ, कोई पसंद नहीं आ रही क्या? ठीक है लेकिन बताइए ना अम्मा जी, इन तीनों में से आपको कौन सी पसंद है? अरे अम्मा जी और छोटे देवर जी को ना कोई पसंद नहीं आने वाला। क्यों भाभी, आप खुद देखिए ना कितनी अच्छी और सुंदर लड़कियाँ। हमने देख भी ली और पसंद भी कर ली, क्या फायदा है अजीत भैया। और भाभी सबकी रजामंदी तो होनी चाहिए ना। अब आपकी और हमारी रजामंदी की ना कोई कीमत नहीं है, जो छोटे देवर जी को पसंद आएंगी ना बस वही अम्मा जी को पसंद आ जाएगी। अब इनकी पसंद क्या है वो तो भगवान ही जाने। देखो बेटा, मेरा मानना है कि लड़की जान पहचान घर की होनी चाहिए, हमारा परिवार उसके खानदान को जानता हो। पर अम्मा जी, मेरी बहन तो तीनों लड़कियों के खानदान को, घर परिवार को, सबको जानती है। तुम समझी नहीं बहू, मेरा उसूल है कि एक घर की लड़कियां एक ससुराल में नहीं होनी चाहिए। लो विनय खुद ही आ गए, अब इसे खुद ही पूछ लो। देखिए ना देवर जी, आपकी शादी के लिए मेरी बहन ने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। अच्छा। देखो माँ, अगर की दाढ़ी मूछ लगा दी जाए तो एकदम शिवाजी महाराज जैसे दिखेगी ये। हैं? विनय बाबू, अगर आपको लड़कियाँ पसंद नहीं है तो साफ मना कर दीजिए, इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत है। अरे भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? आपने तो हमारे मायके वालों का और हमारी बहन का अपमान ही कर दिया। देखते हैं कौन से आसमान से उर की परी उतरती है आपकी शादी के लिए। अरे बहू, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। माँ वो नाराज होगी ना, आखिर उसकी बहन ने ये फोटोज भेजे थे। भैया मैं तो मजाक कर रहा था ना। तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था मैंने। अब खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें आखिर कैसी लड़की चाहिए। भैया अगर हमें मालूम होता तो आप लोग थोड़ा इतने परेशान होते। छाड़ के छुई मुई तन जाती है, लिपट गई जो धूल पाँव में किस्मत पे इतराती है, राहें राह निहार रही है, पगडंडी बल खाती है, लगता यहाँ फरिश्तों ने कोई सपना बुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? इन दोनों बच्चों को आश्रम में छोड़ने के लिए लाए हैं? नहीं नहीं, इस बच्ची को छोड़ना है, ये तो मेरी बिटिया है। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? बिन्नी। आपका नाम बिन्नी है? अरे नहीं, इसका नाम बिन्नी है, मेरा नाम तो तुलसी है। अच्छा अच्छा। वो क्या है ना, इसकी अम्मा मर गई तो ये बहुत अकेली हो गई, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। ऐसा नहीं बोलते, आइए आइए। हमारे घर के दरवाजे पर लाल बत्ती वाली गाड़ी आने वाली है, अब चलिए आप भी स्वागत कीजिए कलेक्टर साहिबा के। कलेक्टर साहिबा स्वागत है। अब तुम भी उठ जाओ ना, ऐसा लगना चाहिए ना कि हमारी बिटिया रानी कलेक्टर वाली गाड़ी से निकल रही है। चलो चलो। ये आओ।
देखा जी, इसकी चाल तो देखिए, बिल्कुल कलेक्टर की तरह चलती है हमारी बिटिया। बिल्कुल। अरे भाई, इसमें भी कोई शक है? कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। याद है ना जब पंडित जी ने कहा था जब ये पैदा हुई थी? अरे सब याद है। घर का नाम एक ना एक दिन ये लड़की जरूर रोशन करेगी, है ना? लेकिन पापा, मैं सिर्फ इन किताबों से कलेक्टर नहीं बन पाऊंगी। अरे तो क्या चीज की कमी है, बताओगी तब ना। वो कलेक्टर की पढ़ाई के लिए ना कुछ गेस्ट पेपर और गाइड की जरूरत पड़ती है। गेस्ट पेपर और गाइड ये कहाँ मिलेंगे? टाउन में एक दुकान है, ग्लोबल IES, वहीं से मिलेंगे किताबें। तुम्हें किसने बताया? मेरी दोस्त ने, उसके भाई ने भी परीक्षा दी थी ना, तो वहीं से ये किताबें खरीदी। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त का भाई भी कलेक्टर है का? नहीं, वो फेल हो गया। लो तो ऐसी दुकान से किताब लेने का क्या फायदा? जब वो फेल हो गया, कोई जरूरत ना है उसकी दुकान से किताब लेने का। मम्मी, श्रीमती जी, किताब पढ़ने से कोई पास या फेल नहीं होता। अरे वो तो अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से कलेक्टर बनता है, जैसे हमारी बेटी। अच्छा ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कहाँ मिलती है, फिर आ जाएगी तुम्हारी गाइड और गेस्ट पेपर। देख बेटिया, अब हमने एक बार ठान लिया कि अपनी बिटिया रानी को कलेक्टर बनाना है तो बस बनाना है। अच्छा श्रीमती जी, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। तुलसी के बारे में। अब लो, फिर क्या कर दिया ये लड़की ने? अरे हुआ कुछ नहीं है, मैं सोच रहा था कि बड़े भाई की बेटी है तो एक एहसान कर देते। एहसान? कैसा एहसान? लेकिन मम्मी, सुबह से ये तुलसी दिखी नहीं आज ना। अरे बिटिया, वो आश्रम गई है बच्चे को पहुंचाने। अरे मैं भी खेलू तुम लोगों के साथ, मैं भी गाती हूँ, चलो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। आशा, इन्हें ले जाइए। इस आश्रम में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी सेवा करने का मौका मिलता है। सभी ऐसे हैं क्या? यहाँ पे कुष्ठ रोगी भी है कुछ। बेचारे। बेचारा मत कहिए इन्हें, ये दया के नहीं हमारे प्रेम के पात्र है। बाबूजी, पिन्नी कहाँ है? बेटा वो सो रही है, अब वो यहीं रहेगी। अरे पर वो उठेगी तो रोएगी ना? नहीं रोएगी, ये लोग हैं ना उसकी देखभाल के लिए। काश गोलू खगनू लीची भी हमारे साथ यहाँ आते, कितना मजा आता है ना यहाँ खेलने के लिए। बेटा अपने दोस्तों को लेके जरूर आना। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी, तुम तेज चल सकती हो?
हाँ बिल्कुल, मैं बहुत तेज चल सकती हूँ, चल के बताओ। देखिए बाबूजी आप भी देखना। हाँ देखा बाबूजी हम कितना तेज चले ना, है ना? कि बच्ची दूसरों बच्चों जैसी नहीं है, इसको इंसानियत, रिश्ता, परिवार सब पता है, लेकिन कॉमन सेंस का थोड़ा कमी है। कमी है? हाँ, चिंता मत कीजिए, कॉमन सेंस हमारे ऊपर एक मुखौटा बन के लगा रहता है। आपके बेटी में सच्चाई है, इंसानियत है। आपकी बेटी नफा घाटा देखने वालों में से नहीं है, तो हमेशा प्यार देने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसे बच्चे कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि आम आदमी सोचने वाला सोच भी नहीं पाता। एक दिन आपको अपने बेटी पे गर्व होगा। माँ बाबूजी कहाँ हैं? वो तो आश्रम गए हैं ना। अच्छा तो क्या हुआ माँ जी, इतना टाइम थोड़े लगता है, बाप बेटे कहीं घूम रहे हो। प्रणाम भाभी जी। देवर जी प्रणाम, आइए आइए बैठिए। बहू पानी लेकर। बहुत दिनों बाद आए हैं। कहा है शेखर बिटवा, तुम्हारे चाचा जी तुलसी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेके आए हैं। सच में? वो क्या है कि शेखर को कामकाज से फुर्सत नहीं है, और भैया ठहरे मनमोजी, मन किया तो निकल लिए, नहीं तो बैठे हैं रामायण लेके। सच कहते हैं चाचा जी आप। अरे हम तो बोल बोल के थक गए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, क्या करें? चाचा जी ये तो आपका बड़प्पन है, कितने व्यस्त रहते हुए भी आपने तुलसी के लिए रिश्ता ढूंढा।